हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या हैं, जन कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं, सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है या फिर ब्लॉक या फिर दिल की बात नहीं करें। तो देखते हैं इन मैसेजेस के थ्रू आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। Live in the moment. Crying and depression, meditation, live your passion and reaching conclusions. Bottom deck है chemistry. तो strong message आपके लिए। पहले तो लग रहा है कि इनकी हालत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि फुल मून का असर है, पोर्टल्स का भी असर है। क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि एक तो दुनिया के हालात, दुनिया और आजू बाजू के हालात जिस तरह से उनकी, जैसे कोई ना बदला ले रहा हो, जैसे कोई बदला लेने की, जैसे ये है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, किस जन्म का बदला लिया जा रहा है, ऐसी काइंड ऑफ फीलिंग है। सो इस कदर हालात ख़राब है कि अगेन बार बार फील हो रहा है कि एक मेडिटेशन की एनर्जी है, कि हो सकता है पूजा पाठ जो भी ईश्वर यूनिवर्स में मानते हैं उनके शरण में जा रहे हैं, और जब भी ये मेडिटेट करते हैं ना, उनको जैसे कुछ एहसास होता है, कुछ डिसीजन लेना है उनको। ये जो तकलीफ़ हो रही है, ये जो उनको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ जैसे बिगड़ रहा है, बिखर रहा है, टूट रहा है, सब कुछ जैसे ख़त्म हो जाएगा, ये जो तकलीफ़ हो रही है ना, इसमें एक एहसास हो रहा है कि पहले तो उस चीज़ के लिए वो खुद ज़िम्मेदार हैं, और अभी ना लाइफ में ना जब चाहते हैं कि कुछ सोल्यूशन मिले, जब हैप्पीनेस क्रिएट हो, तब पता नहीं क्यों आपका चेहरा सामने आता है। जैसे आपके साथ कोई रिश्ता या कोई वजह या कोई तो बात है जो अधूरी छोड़ी है, या तो जैसे आपको भी अधूरा ही छोड़ा है, तो वो एक याद आता है, या ऐसा लगता ना कि उस बारे में डिसीजन लेना ज़रूरी था। और दूसरी चीज़ है कि उनको ऐसा लगता ना कि बस लाइफ में ना अभी खुश रहना है, जो भी है, जो पल आते हैं ना, उसे अच्छे से जीना है। और इन्होंने जब भी अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ की, ऐसा लगता ना कि जीने का एहसास चाहिए, तो ऐसा लगता है कि आप चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी, बॉन्ड, हर चीज़ इतना ख़ास था ना कि वो मतलब अपने आप को ना जैसे समझते हैं कि जिस रिश्ता या उनका लाइफ या हर चीज़ सिर्फ खूबसूरत नहीं था जब आप साथ थे, वो ग्रो भी कर रहा था, कुछ अच्छे से हो रहा था, बट इस बात पर ही उन्होंने नज़रअंदाज किया। सो अपनी लाइफ में ना वो मतलब खुश रहना चाहते हैं, और इन आपको भी खुश देखना चाहते हैं, कोई नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें, कोई डिसीजन है जो उनको लेना है, बट इस एनर्जी में ऐसा लग नहीं रहा कि भाग रहे, बट समाज से लग रहा है कि वो ले नहीं पा रहे। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। आपको देखने के लिए, आपसे आपको अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं, लिटरली। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपने इनकी तरफ देखना छोड़ दिया है, ये क्या फील कर रहे हैं, कि किसी सिचुएशन में है, इनको क्या प्रॉब्लम्स है, ये आपने मतलब आपने कभी शायद देखा ही नहीं, आप हमेशा अपनी बात कर रहे थे। ऐसा उनको लगता है कि कमिटमेंट चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये आपने समझने की कोशिश नहीं की। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। ये आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता ना कि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। सो इन्हें ऐसा एहसास, अभी इन्हें एहसास हो रहा है कि आप, अगर आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, बहुत ख़ास इंसान हो आप, और जिस तरह से आपने इन्हें प्यार किया है, तो आपको थैंक यू कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में आने के लिए। आई फील रोमांटिक फॉर यू।
फिल्म में उनका बहुत ज़्यादा गहरा असर है, जितने इमोशंस इतने डीप जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन आपके लिए एक रोमांटिक फील भी अलग ही लेवल पे होता है। आई फेल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स जैसे आपसे प्यार करते हैं ना, कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, कभी समझ ही नहीं कर पाए, कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आई कैंट सी यू क्राइंग, ये आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते। आई एम डन विद यू, आपको मना के, आपका इंतज़ार करके ये बहुत ज़्यादा थक चुके ऐसा लगता है। वी बोथ नो हुज फॉल्ट वॉज, इन्हें ऐसा लगता है कि दोनों को पता है किसकी गलती थी, बट अभी ना ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, ये भूल जानी चाहिए, अभी हम बस इस मोमेंट पे कैसे जिए वो देखना चाहिए। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। लेट्स मेक लव टुगेदर, या आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिकली क्लोज होना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं आपको, एक हीलिंग का ही पार्ट होता है इस कनेक्शंस में, तो वैसा फील करना चाहते हैं। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।